Hello everyone, I am Sandeep Tale, Director of Inspire Institute, Nasik. I would like to welcome you on your YouTube channel, Inspire Institute. खास करके मैं सभी स्टूडेंट को जिन्होंने 10th का एग्जाम दिया था और पास किया है और उन सब पेरेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ जिनके बच्चों ने 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है What after 10th? 10th के बाद में क्या 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 अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में है, हम 10th के बाद में क्या क्या कर सकते हैं. तो कुल मिला के आज हम जिसे बोलते हैं ना, हाईलाइट करेंगे पांच उन फील्ड को जिसमें हम 10th के बाद में अभी एडमिशन्स ले सकते हैं हमारे फर्दर एजुकेशन के लिए. सबसे पहला है ITI, सबको पता होगा ITI. दूसरा ऑप्शन हमारे पास में होता है डिप्लोमा. ITI और डिप्लोमा कुल मिला के थोड़ा सा सेम होता है, लेकिन ITI अलग चीज़ है, डिप्लोमा अलग चीज़ है, विस्तार से जाएंगे. अभी तो हम रैंडमली देखेंगे इसमें क्या क्या कैसा कैसा है, और उसमें मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक वीडियो होगा खाली ITI का, एक डिप्लोमा का, एक 12th साइंस का, एक कॉमर्स का और एक आर्ट का. तो इन पाँचों का हम अलग अलग तरीके से विस्तार से स्टडी करेंगे, मैं आपको जानकारी दूंगा. तो अभी हम चालू करते हैं ITI से. ITI वैसे देखा जाए तो 8th के बाद में भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, 10th के बाद में भी ले सकते हो और 12th के बाद में भी ले सकते हो. तो यहाँ पे आपका क्वेरी, आपका जो सवाल है जो आपके दिल में है, वो मैं भी क्लियर करा दूँ यहीं पर. आगे जाके वापस नहीं आएंगे, यहीं पे क्लियर करेंगे. 8th के बाद वाले ट्रेड जो होते हैं ITI में वो उतने फेमस नहीं है, और 12th के बाद में जो होते हैं वो भी उतने फेमस और उतने पॉपुलर नहीं है. तो हम स्पेशली बात करेंगे क्योंकि आपने 10th का एग्जाम दिया है. तो 10th के बाद में, 10th के बाद में हमें कुछ ट्रेड्स ऐसे मिलेंगे जो एक साल के होते हैं, या कुछ ऐसे मिलेंगे जो दो साल का उनका ड्यूरेशन होता है. 10th के बाद में जितना ज़्यादा परसेंटेज आपका 10th का होगा, उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा कि आपको आपके पसंदीदा ट्रेड में एडमिशन मिले. फिर भी अगर आप मुझे पूछना चाहते हो तो उसमें जो सिविल ड्रॉसमैन करके एक ट्रेड आता है वो काफ़ी फेमस है, उसके बाद में शीट मेटल करके भी एक आता है, ऐसे काफ़ी सारे उसमें ट्रेड आते हैं जिसका आप विस्तार से जाके ITI का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे होगा, वो आप देख सकते हो, नहीं तो मैं आपको डिटेल एक वीडियो में वो सब चीज़ें दूंगा. बाद में आता है डिप्लोमा के साथ में. डिप्लोमा हम कर सकते हैं 10th के बाद में, जो कुल मिला के 3 साल का डिप्लोमा होगा. कितने साल का होगा? 10. जिन सब फील्ड में, जिन सब स्ट्रीम में हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उन सब में, करीब करीब सब में ही हम डिप्लोमा भी कर सकते हैं. डिप्लोमा होगा 3 साल का, उसके बाद में आपको इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन मिलेगी. जो आगे सेकेंड ईयर को एडमिशन मिल गया तो आपको आगे 3 साल पढ़ना है. मैं बता रहा हूँ आपको, 3 साल का डिप्लोमा, 3 साल के उसके बाद में सेकेंड ईयर के बाद में डिग्री, मतलब 3+3=6. लेकिन अगर आप 12th साइंस करके CET का एग्जाम जो होता है, एक IIT का भी एग्जाम होता है और दूसरा CET का, 12th के बाद में जो CET एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद में भी आप डिग्री कर सकते हो इंजीनियरिंग में, तो आपको लगने वाले हैं 4 साल. मतलब आप 12th के बाद में CET देके 2+4=6 और 3 साल का डिप्लोमा और उसके बाद में इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन, और बाद में भी आपको लगने वाला है 3, मतलब 3+3=6, 2+4=6. मतलब आपका समय ना ज़्यादा जा रहा है ना कम जा रहा है, दोनों चीज़ें बराबर 6-6 साल की है, ठीक है. उसके बाद में हम आने वाले हैं अभी कॉमर्स में. कॉमर्स में आप 10th के बाद में सीधा सीधा आपको 11 कॉमर्स में एडमिशन लेना है, 11 12th हो जाएगा. 12th के बाद में एक तो आप CA हो सकते हो, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, या आप CS हो सकते हो, दैट कंपनी सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, या फिर आपके पास में ICWA, ये भी एक ऑप्शन होता है. ये 3 बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर में भी आप खुद के लिए ट्राई कर सकते हो. लेकिन बड़े तौर पे अगर देखोगे तो आपके पास में 3 ऑप्शन है. एक ऑप्शन आपके पास में है CA, दूसरा है CS, और उसके बाद में आपके पास में है ICAW. ये सब चीज़ें आप कर सकते हो कॉमर्स में भी. अब सबसे लास्ट वाला चीज़ हमारे पास में बची, दिस इज आर्ट, ठीक है. तो सबसे पहले तो ये दिमाग में निकाल दो, आप शायद मैं पहले आपको इसके बारे में बताया है या बताया नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे और एक बार हाईलाइट करा दो और उस पर भी आप ध्यान. ज़्यादा परसेंटेज मिले हैं इसलिए साइंस लेना है, थोड़े कम है एवरेज है इसलिए कॉमर्स है, और बहुत ही कम मिले इसलिए आर्ट है. ये पैरामीटर आपके साथ में नहीं होना चाहिए, जो हर साल हर बच्चों के साथ में होता है. तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, परसेंटेज के हिसाब से आपका साइंस आर्ट कॉमर्स का डिफ्रेंशिएशन ना करें. आप देखें कि आपको क्या आता है, आपकी किस चीज़ में रुचि है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से भी ज़्यादा कौन सी चीज़ आपको आती है. अगर आपको साइंस आता है और मैथ भी आता है तो आप साइंस के साथ में जाए, अगर आपको खाली मैथ अच्छा आता है तो आप कॉमर्स के साथ में जाए,
और अगर आपको लैंग्वेजेस और सोशल स्टडीज़ पॉलिटिकल साइंस ये अच्छा लगता है और ये आता है तो, या फिर आपको यूपीएससी एमपीएससी भी क्रैक करनी है या उस सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप आर्ट के साथ में जा सकते हो। आर्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था, जहाँ तक आर्ट का सवाल है तो आर्ट में आप 11th 12th आर्ट करने के बाद में आप सीधा सीधा कर सकते हो बीए, ठीक है, बैचलर इन आर्ट्स। उसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, उसके बाद में आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की सब चीज़ें ले सकते हो। उसके बाद में आप एमए भी कर सकते हो, उसके बाद में आप सेट नेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हो। ये इतने सब ऑप्शंस आपके पास में होते हैं। लेकिन पर्टिकुलर आप मेरी राय अगर पूछोगे, अभी का जो करंट सिनेरियो है, अभी का जो सिचुएशन है, और एक बात तो क्लियर है आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी और मुझे भी, कि जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम करते हैं, इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा जो संबंध होता है वो होता है कि हम कितने पैसे कमा पाएंगे, हम इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो अभी मैं आपको मेरे तरफ से रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप साइंस स्ट्रीम में या साइंस फील्ड में जाए, जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त हो सकते हैं और स्टडी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे जाके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को आप इनकैश कर सकते हो। अब 12th साइंस के बारे में अगर बताना चाहूँ मैं आपको संक्षिप्त में, तो आप सबसे पहले 11th 12th साइंस करके उसके बाद में आप बीएससी कर सकते हो, उसके बाद में एमएससी कर सकते हो। 12th के बाद में आप इंजीनियरिंग डिग्री कर सकते, इंजीनियरिंग को अगर आपको आगे जाना है तो आप सीईटी एग्जाम के थ्रू इंजीनियरिंग डिग्री में भी जा सकते हो, जिसके लिए आपको लगेगा पीसीएम, एम फॉर मैथ। अगर आप पीसीबी ग्रुप के साथ में जाते हो तो आपको लगेगा बी, बी फॉर बायोलॉजी, तो आप फार्मेसी लाइन की तरफ भी जा सकते हो, जिसमें अभी कोरोना का चलते हुए फार्मेसी लाइन को आने वाले 15 से 20 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। तो फार्मेसी लाइन आपके लिए, इंजीनियरिंग आपके लाइन आपके लिए है। और अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्चुअल हो, तो आप आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हो, जिसके लिए आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस देना है। नीट एग्जाम होता है मेडिकल के स्टूडेंट के लिए, जिनको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, बीडीएस बनना है, बीएचएमएस बनना है, बीएमएस बनना है, या फिर और कोई छोटे मोटे पैरामेडिकल कोर्स जो होते हैं वो करने हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए खुली है 12th के बाद में। सबसे पहले अभी मैं दोबारा आपको एक बार रिवाइज करा दूँ, आपके पास में 10th के बाद में एक बड़े लेवल पे 5 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है आईटीआई, दूसरा जो कि टेक्निकल है, दूसरा डिप्लोमा दैट इज आल्सो टेक्निकल, तीसरा आप कर सकते हो 11th 12th साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी के साथ में, पीसीएम के साथ में, पीसीबी के साथ में, ये सब चीज़ें आपके साथ में है। उसके बाद में आप कॉमर्स कर सकते हो, कॉमर्स के सब्जेक्ट आपको पता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट बहुत मेन होता है। उसके बाद में आर्ट में आप लैंग्वेजेस और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ये सब चीज़ों के साथ में आप आपके पढ़ाई को आगे जारी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अप टू नाउ दिस वीडियो, बाकी हर एक टॉपिक के पर्टिकुलर वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे काम।